गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल? अभी यहाँ से आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वहाँ जा रहे हो ना? वहीं जा रहे ना? देखिए, मैं आईफा के साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ, और मैं अगर वो टैलेंट को जस्टिस नहीं करती तो मैं शायद नहीं भी जुड़ा होता। तो मुझे लगता है कि आईफा वाकई, अगर जितने भी इंस्टीट्यूशंस, जितने भी यू नो इंस्टीट्यूशंस है, उस अगर उसके साथ आप कंपेयर करेंगे तो वो काफ़ी जस्टिस करती, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि पूरे उनका उसका जो दायरा है आईफा का, वो काफ़ी बड़ा है। मेरे ख्याल से कल जब मैं था दिल्ली में तो सुनने में आया कि कम से कम 800 मिलियन जो ये आईफा अवार्ड्स होता है, जो पूरा जो आईफा इवेंट होता है, 800 मिलियन से भी ज़्यादा लोग, मतलब 800 करोड़ लोग ये शो को देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, ये आपको गलत सुनाई देता। मतलब मैटर फैक्ट, सब लोग आईफा में, ऐसा कभी नहीं होता, मगर आईफा में जो भी जाता है, जो बहुत ही जो इनकी जो पूरी जूरी है जो डिसाइड करती है, और जो इनका पूरा जो सिस्टम है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आईफा अवार्ड्स के बाद कभी मैंने ये सुनने में नहीं आया कि किसी एक्टर ने कंप्लेन किया गया मुझे मिलना चाहिए था या मुझे नहीं मिला। मैं इतने सालों से जुड़ा हूँ, मुझे आज तक इन्होंने दिया ही नहीं अवार्ड, तो मेरा तो काफ़ी इन्फ्लुएंस होना चाहिए ना। मैं एक किस्म का उनका दोस्त हूँ, या तो मुझे लगता है कुछ 12-15 साल से मुझे कोई अवार्ड ही नहीं दिया उनको, तो मुझे कंप्लेन करना चाहिए। कौन लगता है कि इस बार आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतेगा आपके हिसाब से? देखिए, दो परफॉर्मेंसेज हैं जो बहुत लोग बढ़िया है। बाजीराव मस्तानी में रणवीर साहब का काम बड़ा ज़बरदस्त था, और हाल ही में मैंने अभी पीकू देखी। मैंने पीकू देखी नहीं थी, मैंने पीकू अभी ऑस्ट्रिया में देखी, मैं जब वहाँ था, और मैंने अमित जी का काम देखा, और बहुत बहुत ज़बरदस्त काम किया है। मैटर ऑफ फैक्ट, सब ने पीकू में बहुत बढ़िया काम किया, और फिल्म भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं दोनों को देता हूँ। जरूरी नहीं है, मेरे ख्याल से फिल्म मेकर्स हैं और क्रिटिक्स हैं, और कभी कभी जर्नलिस्ट भी होते हैं जो जूरी पे रहते हैं, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, सो कोई भी हो सकता है। सर, इसके अलावा आपको बहुत सारे करियर में आपके अवार्ड मिले हैं, तो ऐसे कोई यादगार अवार्ड है जिसकी यादें आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? नहीं, मुझे किसी, मैं कुछ चीज़ें, मैं जिस किस्म का मैं हूँ, मैं यादें जो होता है मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे के बारे में सोचता हूँ, आगे कौन सा अवार्ड मिलने वाला, जो पिछला अवार्ड उसको मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे याद ही नहीं है कौन से अवार्ड्स कुछ जो मिले हैं मुझे। और मगर मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ, कोई भी इवेंट हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी अवार्ड फंक्शन हो, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी जो हमारे इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो और जुड़ा नहीं भी जुड़ा हो, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं जाऊँ और अपना आई शुड इन्जॉय माई सेल्फ, हैव फन, मेक पीपल हैप्पी। मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ, और जब लोगों को खुश देखता हूँ, आप लोगों को खुश देखता हूँ, तो मुझे खुशी होती है। तो जहाँ यादगार का सवाल है, मेरे जितने भी मुझे अवार्ड्स मिले हैं सारे यादगार हैं, और सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस वक्त मुझे खुशी मिली जब मुझे वो अवार्ड्स मिले। सर,
हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फिल्में हैं जैसे कि मुझे उस वक्त लगा था कि ईश्वर में मुझे मिलना चाहिए था, राम लखन के लिए मिलना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त कहते थे कि पॉपुलर फिल्म को मिलना चाहिए, तो दैट वाज द मोस्ट पॉपुलर फिल्म, मगर उस वक्त मुझे अवार्ड नहीं दिया। फिर ऐसी काफ़ी ऐसी जैसे लम्हे में मुझे अवार्ड नहीं मिला, एक दो अवार्ड्स मिले बट जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स थे लम्हे में मुझे नहीं मिले। तो ऐसे काफ़ी फिल्में हैं जो मैंने की, और कुछ ऐसी फिल्में जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं मिलना चाहिए था और मुझे उसमें अवार्ड मिल गया। हाँ, वो मैं नहीं बताऊंगा। 3.5 साल से मैं यही जवाब दे रहा हूँ, 3.5 साल से, अगर ये मुझे लगता है अभी बना ही ले इन लोग, 3.5 साल लगे राम लखन को घसीट रहे हैं, उसको चूस रहे हैं। मैं अपने आप को देखना चाहूँगा, मेरे से बेटर कोई कर सकता है अभी भी? बताओ, हाँ नहीं कर सकता ना। चलो मैंने दे दिया, चलो लखन, चलो ले लो यार, जिसको भी है, जो हाँ एक लॉटरी निकालते हैं जिसको मिल जाए। नहीं, वो इस वक्त मुझे लगता है रणवीर मेरे ख्याल से इज अ गुड चॉइस फॉर लखन। यार Also, Anil ji, since you belong to the Bollywood fraternity, एक debate चल रहा है काफी time से, सलमान खान को Rio Games का ambassador बनाएंगे। No such question of this. Anil ji, we would want to know your comment on this because मैं दिल्ली में था कल, था और मुझे लगता है कि सही चुना है सलमान साहब को। आज एक और अपडेट आया है इस पर कि सचिन और यार रहमान को भी अप्रोच किया गया है, सो डू यू थिंक कि मतलब इतना कंट्रोवर्सी और इतना डिबेट चल रहा था इस वजह से? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, मुझे ऐसा मैं इसके बारे में मुझे जितना मुझे पता है कि सलमान साहब को चुना गया है और मैं बहुत खुश हूँ उसके। अनिल सर, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स जो मेरे ख्याल से ऐसी फिल्में बननी चाहिए और हमेशा ऐसी फिल्मों से ही जो होता है नया टैलेंट उभर के आता है इंडिपेंडेंट फिल्मों से, और ये छोटी फिल्मों को इनकरेज करना चाहिए और बस। और कुछ सर, आईफा में एक खास बात है कि वो सिर्फ अवार्ड के लिए नहीं जाना जाता, और भी कई फैक्टर्स होते हैं। हाँ, उसमें काफ़ी जैसे कि मैं जब पहली बार तो नहीं, मैं हाँ मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका में मैं पहली बार गया था, तो उस वक्त मैं जब गया था तो इसमें आईफा में सिर्फ अवार्ड्स ही नहीं होते हैं, देर इज़ अ लॉट ऑफ, देर इज़ आईफा रॉक्स, फिर उसमें बिजनेस के फिकी और मिलकर भी काफ़ी बिजनेस नेटवर्किंग काफ़ी आप कर सकते हैं, काफ़ी लोगों को मिल सकते हैं वहाँ जो उस कंट्री के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं और एग्जिबिटर्स हैं, उन सबको मिल सकते हैं और काम मिल जुल कर अच्छा बड़ा और काम कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैंने हमेशा कहा कि जैसे कि फिल्म फेस्टिवल होते हैं, जो जो चीज़ें फिल्म फेस्टिवल में होती हैं और अवार्ड्स, तो ये दोनों का एक एमलगमेशन है आईफा, फिल्म फेस्टिवल और एक अवार्ड, तो दोनों मिलकर ये आईफा वीकेंड होता है, तो इसकी इसलिए एक ओरिजिनलिटी है, खासियत है आईफा की, और हमें ऐसा मौका मिलता है, हमें मौका मिलता है कि हम 400-500 लोग यहाँ से जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, आप लोग भी आते हैं, तो वहाँ एक मौका मिलता है उनके साथ वक्त गुजारने का, टाइम गुजार तो अच्छा रहता है, इट्स लाइक अ गुड काइंड ऑफ अ nice working holiday. Whose performance you are looking forward this time? देखिए सलमान साहब का तो हमेशा मैंने ही इज ऑलवेज फैंटास्टिक ऑन स्टेज एंड ही इज वेरी गुड, ऑफकोर्स ऋतिक इज़ अ बहुत ही बढ़िया, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन डांसर है इस वक्त, एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट, एंड जितनी मेहनत वो करता है स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, ऐसा लगता है कि जैसे कि लाइफ एंड डेथ है उसके लिए, तो कोई भी आदमी जब कोई भी चीज़ मेहनत से करता है तो उसे देखने का हमेशा मज़ा रहता है, तो इन दोनों की परफॉर्मेंस के लिए मैं और फरहान साहब और शायद फिल्म शो को एंकर कर रहे हैं, एंड देयर एंकरिंग इट्स माई टाइप ऑफ एंकरिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ mass and class, so it's always wonderful to watch them anchor the show. Yeah, when can we see you perform in Aifa? I am constantly performing. Yeah, every any special yes. Sorry, any special performance?
माइन इज ऑलवेज अ स्पेशल, मैं जहाँ भी जाता हूँ हर चीज़ स्पेशल ही होती है। जैसा कि आपने बताया कि 3.5 साल से आप सुनते आ रहे हैं कि रामलखन का रीमेक बनेगा, 4.5 हो गया अभी, 4.5 साल से, सर कोई एक ऐसी फिल्म जिसके जिसके आपके खुद के प्रोडक्शन हाउस में आप खुद चाहते हैं मेरी वो वाली फिल्म का रीमेक, जैसे तेजाब बेटा, कोई ऐसी फिल्म जिसका आप खुद चाहते हो कि आप आपकी टीम रीमेक करे उस फिल्म का? मैं क्यों आइडियाज दूँ सबको, पता चला मैंने आइडिया दिया और किसी ने, मैं क्यों दूँ? मैंने अपने जहन में रखा, दीज आर ऑल यू नो बिजनेस आइडियाज विच आर देयर इन माई माइंड, वाई शुड आई शेयर इट? कोई दूसरा जाके ले लेगा वो राइट्स? सर कास्टिंग भी आपकी रहेगी कि कोई और आपका फेवरेट फिल्म में रहेगा? नहीं, कास्टिंग जो जो राइट्स खरीदेगा वो करेगा, जब अगर मैंने राइट्स खरीद लिए और मैंने अगर फिल्म बनाई है, क्योंकि मैं भी फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, तो जो जो आइडियाज मेरे जहन में मैं क्यों शेयर करूँ? सही बात है कि नहीं? सही बात है। थैंक यू भाई। हाँ सर, विजुअल्स दिया नहीं क्या? क्या किया तुम्हारा? कहाँ कहाँ बताइए, यहाँ ये चलता हूँ ना, ये देखो, ये नो ये स्टाइल में देखो ना, नहीं झगड़ा से जगह से और रामलखन से मैं थक गया हूँ। ये बच्चे लोगों को करने दो। अनिल जी, एक सवाल और कर सकते हैं सर? जी सर, सोनम कपूर अपने एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, ये मैं पिछले कुछ दिनों से महीनों मैं देख रहा हूँ कि सोनम जो है वो किसी से बात नहीं कर रही है और बहुत मेहनत कर रही है, और यू नो मैं बोली ये कर क्या रही है और ये बना क्या रही है? कभी देखता हूँ ऊपर तीसरे यू नो घर में, पता चला कि हलचल मची हुई है ऊपर, मैंने वो क्या रहा है? तो मैंने सरिता से पूछा, अपनी पत्नी से पूछा, ये ऊपर क्या हो रहा है? बोले ये ऐप बन रहा है। मतलब ये ऐप है क्या यार, ये कौन सी बाजी बन रही है? तो नो इट्स यू नो फैंटास्टिक थिंग शी इज़ डूइंग एंड इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, इज द फर्स्ट टाइम इट्स बीन डन इन दिस कंट्री एंड इट बी आई थिंक समथिंग ग्रेट। एंड जो मेरे को उन्होंने कॉन्सेप्ट दिखाया और कुछ चीज़ें उन्होंने शूट की हैं, लॉट ऑफ फन, इट्स लॉट ऑफ फन एंड आई थिंक फॉर ऑल द यंगस्टर्स एंड किड्स एंड फॉर हर यू नो शी हैज़ अ लॉट ऑफ यंग फैंस एंड आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट ट्रीट फॉर ऑल ऑफ देम टू डाउनलोड दिस ऐप, यू नो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग आई फील, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट शी इज़ डूइंग, हर फिल्म्स, about the fashion and you know and the book she reads, everything connected to what she is, what Sonam is in real life. Yeah, it's going to be a lot of fun, this app. Yeah, I'm looking forward to it also. Thank you so much. Thank you. Thanks, sir. Thank you.